छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह दिसंबर, असाइनमेंट 5, कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान, हिंदी माध्यम और ये पूर्णांक 20 है। निर्देश है दिए गए सभी प्रश्नों को निर्देशन सवाल हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं इनको हल करते हैं, प्रश्नों में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका नंबर 1 कि घरेलू विद्युत परिपथ में घर के सभी उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्यों जोड़े जाते हैं ये समांतर क्रम में। तो इसका आंसर देना ये उत्तर है बच्चों यहाँ पे, कि ये आपका अ का उत्तर है, तो यहाँ अ लिखेंगे आप लोग। घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे ही हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तुल्य धारा कम हो जाती है, जिस कारण बल्ब की रोशनी या किसी भी उपकरण की कम हो जाती है, जबकि समांतर क्रम में संयोजन में तुल्य धारा कम नहीं होती है और एक सभी एक ही विभवांतर पर कार्य करते हैं, इस प्रकार उपकरण ठीक प्रकार से कार्य करते हैं। यह आपका दूसरा प्रश्न है इसमें ब वाला। एक घर में प्रतिदिन 40 वाट के 4 बल्ब है 5 घंटे और 60 वाट के 2 बल्ब 6 घंटे, 80 वाट के 3 पंखे 6 घंटे चलते हैं और इस घर में 1 महीने में बिजली का खर्च आएगा यदि 1 यूनिट का मूल्य 50 पैसे हो तो क्या होगा। तो इसका उत्तर हमें यहाँ देना है, लिखना है, फिर से करना है आपको। तो ये उत्तर है इसका सेकंड वाले पार्ट का। चलिए देखते हैं, 40 वाट के 4 बल्बों में 5 घंटे तक चलाने पर 1 महीने का खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले सूत्र लगाते हैं, विद्युत उपकरण की संख्या गुणा विद्युत उपकरण की शक्ति गुणा समय गुणा दिनों की संख्या और बटे में 1000 होता है। तो यहाँ 4 उपकरण थे 40 वाट के, तो 4 × 40 × 5 × 30 हो जाएगा और बटे में ये 1000 हो गया। इसकी गुणा भाग करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, 24 किलो वाट घंटा इसकी यूनिट होती है या इसे हम 24 यूनिट लिखेंगे। ऐसे ही दूसरे उपकरणों में भी निकाल लेते हैं हम। इसी प्रकार 60 वाट के बल्ब में निकालते हैं, 60 वाट के कितने बल्ब है 2 बल्ब है और ये 6 घंटे लगातार चलते हैं, तो चलते हैं 1 महीने में निकालना होता है 30 दिन में। तो ये 2 बल्ब है 60 वाट के हैं और ये 6 घंटे प्रतिदिन जलते हैं और 30 दिन में निकालना है और बटे में ये 1000 है, ये 108/5 होगा, जब भाग देंगे तो ये 21.6 किलो वाट घंटा आ जाएगा, इसको हम यूनिट में लिख देंगे। तो ये 21.6 यूनिट हो गया। अब क्या है, 80 वाट के 3 पंखे हैं और 6 घंटे तक जलने पर यानी चलने पर 1 महीने का खर्च यानी 30 दिन का, तो ये 3 पंखे हो गए 80 वाट हो गया और 6 घंटे चल रहे थे 30 दिन हो गया और बटे में ये 1000 हो गया, जब इसकी गुणा भाग करेंगे तो ये भी 200/5 आ जाएगा, ये 200/5 आएगा, जबकि भाग देने पर कितना हो जाएगा 43.2 किलो वाट घंटा आ जाएगा, ये यूनिट लिख देंगे इसकी जगह, तो 43.2 यूनिट हो जाएगा। अब क्या करना, जितनी यूनिट खर्च हो गए इन सबको जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 1 महीने में कुल खर्च बिजली कितनी हुई, पहले 24 थी फिर 1.6 था 21.6 था फिर 43.2 था, इनको जोड़ने पर 88.8 यूनिट आएगा। एक यूनिट का मूल्य दिया हुआ है 50 पैसे, यानी कि इसको रुपए में बदलेंगे 0.5 रुपए हो जाएगा, अतः 88.8 यूनिट का मूल्य जो होगा 0.5 × 88.8 तो ये आ गया 44.40 रुपए, दो अंकों में लिखते हैं बच्चों ध्यान रखना, पैसे दो अंकों में होते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, ये दो दो नंबर के हैं। तो सबसे पहले उसका नामांकित रेखा चित्र बनाना है, तो ये नामांकित रेखा चित्र आपको दिया हुआ है, पहले वाला नंबर ही आपका नामांकित रेखा चित्र है। नामांकित आरेख है, तो ये नामांकित आरेख आपको बना के दिखा रखा है। तो इसमें ये आर्मेचर कॉयल है, ये एबीसीडी देखो, यहाँ पे एबीसीडी आर्मेचर कॉयल है और यहाँ पे जो है ये स्लिप रिंग्स है, ये स्लिप रिंग जो गोल गोल दिखाई दे रही है स्लिप रिंग्स होते हैं, ये आर्मेचर कॉयल हो गया, R1 R2 दिखाया है, यहाँ पे ब्रश जो होते हैं कार्बन के ये B1 B2 से दिखाते हैं और ये गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमापी होता है जो धारा को नापता है, और ये दोनों नाल चुंबक है बड़ी सी जो दिखाई दे रही लाल और नीले कलर में, और ये इसका अक्ष होता है जिस पर ये घूमती है। इसके बाद आता है इसका सिद्धांत आता है, केवल सिद्धांत ही लिखना बच्चों, तो सिद्धांत ही लिखेंगे केवल, ये सिद्धांत है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में
परिवर्तन होता है जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और इस तरह से वृद्धि आ जाती है। चलिए अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, इसमें क्या दिया, निम्नलिखित हार्मोन्स के कार्य लिखना है। तो एक एक नंबर के हैं, 4 है ये। तो सबसे पहले आता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन देखो यहाँ पे क्या है, ये जिब्रेलिन को बताया गया यह पौधे के तनों की लंबवत वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अब इसका कार्य क्या है, जिब्रेलिन का कार्य, इसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। अनुवांशिकी रूप से बौने पौधे की लंबाई भी इसको देने से बढ़ जाती है। पुष्पन तथा फल निर्माण पर नियंत्रण आदि भी इसका काम होता है। इसके बाद आता है साइटोकिनिन, ये रस साइटोकिनिन। तो ये साइटोकिनिन भी लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यह मुख्यतः कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं और इसका काम क्या है, देखो साइटोकिनिन का कोशिका विभाजन व विभेद करना, अग्रीय प्रभाविता का विरोध करना, जीर्णता में विलंब और प्रसुप्तता से जागरण करना, ये इतना लिखना है। अब चलते हैं थायरोक्सिन और टेस्टोस्टेरोन पे। तो ये है थोड़ा सा आगे दिया हुआ है, देख लीजिए इसको। ये हार्मोन्स के नाम लिखे हुए थे, इसमें थायरोक्सिन है और टेस्टोस्टेरोन दिखा रखा है। तो पहले हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य है वह लिखा हुआ है, शरीर में होने वाली समस्त उपचारी क्रियाओं पर नियंत्रण और वृद्धि करता है। ये कौन, थायरोक्सिन। और इसके अगर अल्प बनता है हमारे शरीर में, अगर कम बनता है तो शरीर बौना हो जाता है, मस्तिष्क भी कमजोर हो जाता है, और अगर ये ज्यादा बन जाता है तो ग्लूकोज व ऑक्सीजन की खपत आदि का बढ़ जाता है, यानी थकावट आती है, उच्च ताप आता है, घबराहट होता है, कंपन आदि शरीर में होते हैं। टेस्टोस्टेरोन में देखो क्या होता है, नर में द्वितीयक लैंगिक विकास होना होता है इसमें, और अल्पश्रवण से क्या होता है, लैंगिक अंगों का कम लक्षणों का दिखाई देना होता है, और अतिश्रवण से क्या होता है, अल्प आयु में ही लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि मूंछधारी आ जाना, छोटे कहीं मूंछधारी का आ जाना होता है। अगला प्रश्न है ये चौथा, इसमें कहा है युग्मनज क्या होते हैं। युग्मनज को पहले आपको समझाना पड़ेगा ये होता क्या वास्तव में, फिर बाद में हम मादा जनन अंग का स्वच्छ नामक ये चित्र बनाएंगे। चलिए देखते हैं, पहले ये देखते हैं क्या है युग्मनज। तो मनुष्य प्रजनन में निषेचन की क्रिया से लेकर बच्चे के शरीर के संगठन व संपूर्ण विकास में नर और मादा की भूमिका होती है। लैंगिक जनन में एक ही जाति के दो प्राणियों की आवश्यकता होती है। नर और मादा इन प्राणियों के शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें जनन कोशिकाएं या युग्मनन कहते हैं। नर युग्मनन को शुक्राणु तथा मादा युग्मनन को अंडाणु कहते हैं। नर युग्मन को शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के मिलने से युग्मनज बनता है। युग्मकों के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं और युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया शरीर के अगर बाहर होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। वो आंतरिक निषेचन था और ये बाह्य निषेचन है, दोनों ही बातें आपको इसमें समझानी पड़ेगी। इस तरह से युग्मनज का कार्य क्या है पूरा का पूरा इसमें वर्णन हो जाता है। अब चलते हैं मादा जनन अंग का स्वच्छ नामक चित्र। तो ये मादा जनन अंग का स्वच्छ नामक चित्र है, इसमें ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पे जो एरो लगाया जा रहा है ये वाला, ये क्या बता रहा है, ये अंडवाहिका को बता रहा है जिसको फिलिपियंस ट्यूब कहते हैं हम लोग। और इसके बाद जो है ये अंडाशय है, यहाँ पर अंडे बनते हैं जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एरो के द्वारा दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय है पूरा का पूरा। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा गर्भाशय है, आपको दिखाई जा रहा होगा, ये सबको लेबलिंग भी करना जरूरी है, गर्भाशय। नीचे ये जो दिखाई दे रही है, ये जो नीचे की तरफ चल रही है ये दिखाई दे रही है, ये जो है ग्रीवा है, इसको हम ग्रीवा बोलते हैं। इसके बाद जो है ये यहाँ पर योनि है, ये आपका योनि है जहां पर इंटरकोर्स समागम का कार्य किया जाता है, जहां पे वीर्य स्खलन होता है। तो इस तरह से आप लोग इसके चित्र को बना लेंगे और नामांकित यानी नाम का लिखना इसमें बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है पांचवा यानी आखिरी प्रश्न है इसका। अब ये पूछ रहा है क्या आमल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है, तो है तो क्यों है, और मनुष्य कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये भी दोनों चीजें पूछी है इसने। तो पहले उत्तर को लिख लेते हैं, तो पहला उत्तर देखो क्या है इसका, ये भी जानना जरूरी है। हाँ, आमल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अनिवार्य है, क्योंकि गर्भाशय में बच्चे के शरीर के गठन में 32 कोशिकाओं के बनने पर इस समूह की कोशिकाओं में बनी बाह्य परत से बने मार्ग आवल से मां के शरीर से संबंध स्थापित होता है, और अंदर की कोशिकाओं में बच्चे का पूरा शरीर आवल के द्वारा भोजन पानी गैस इत्यादि मां से बच्चे तक पहुंचते हैं, इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है।
आगे है ये अगला उत्तर है, सेकंड वाला है, पुरुषों में लिंग युग्मक जो है एक्स और वाई होता है तथा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो है एक्स और एक्स होता है। बस यही आपको बताना है, इतने में ये सब समाप्त होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।